अभी मजा आएगा ना भिड़ो, फाड़ देगा मार्बल को। और क्या हाल चाल है सबके, सब बढ़िया सब मजे में? चाहिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में आज के इस वीडियो में वेनम 3 का ट्रेलर को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, साथ में यहाँ पर कई सारे डिटेल्स हैं, उस डिटेल को भी यहाँ पर नोटिस करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्लेन है, एक प्लेन के अंदर में यहाँ पर हमारा जो क्या नाम है इस कैरेक्टर का, मैं भूल गया हूँ, कमेंट सेक्शन में बता देना, एडी ब्रॉक। तो जो एडी है उसके ऊपर साथ में वेनम है और वो प्लेन के एक हिस्से पर बैठा हुआ है चिपक के, और वहाँ पर विंडो से एक लेडी देख लेती है और ये वेनम शक्ल बना के उसको डरा देता है। प्लेन के अंदर का माहौल ख़राब हो जाता है, प्लस जो प्लेन के बाहर का माहौल है वो सिम्बॉयड को खाने वाले क्रीचर जो होते हैं, नल के भेजे हुए क्रीचर, वो वेनम का यहाँ पर मूड ख़राब कर देते हैं। आगे देखो क्या क्या होता है। उसके बाद वाले सीन में हम लोग एक एक करके हम लोग आगे मूव करेंगे, और यहाँ पर मैं थोबड़ा दिखाने की वजह से यहाँ पर सब गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद ये आ गया वो क्रीचर प्लेन के ऊपर, और प्लेन के ऊपर आके यहाँ पर वेनम वर्सेस वो क्रीचर होने वाला है। अब वो क्रीचर का साइज़ देख लो एंड वेनम का साइज़ देख लो, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस के वजह से वेनम जो है काफ़ी ज़्यादा मार खाने वाला है, काफ़ी ज़्यादा पिटने वाला है इस सीन में। और यहाँ पर मैं जो वेनम को मारने के लिए जो क्रीचर भेजा है नल ने, वो नल का भी इस ट्रेलर में फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया है। आप दिखा दो, चलो एसोसिएट विद द मार्वल, मार्वल का नाम तो आया। अब यहाँ पर मैं जो एडी ब्रॉक है, एडी ब्रॉक के साथ साथ यहाँ पर उसके पीछे कई सारी आर्मी क्रीचर और कई सारी मुसीबत आ चुकी है। एंड इस वाले सीन में तुम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, इस वाले सीन में यहाँ पर जितने भी नल ने वेनम को पकड़ने के लिए उसके पीछे जो क्रीचर वाली आर्मी भेजी हुई, आर्मी यहाँ पर तुम लोग नोटिस कर सकते हो स्पेस में आ रहे हैं, अर्थ के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये आधे से ज़्यादा मरेंगी भी या नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है। आइए और देखते हैं। तो ये रहा वो क्रीचर जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये रहा वो नल जहाँ पे इन सब की बातें हो रही है। ये है वो नल जिसने तुम्हें बनाया, लिटरली वो नल है गॉड ऑफ सिम्बियोट जिसने वेनम को बनाया है। यहाँ पर वो डायलॉग भी बोलता है तुम्हें किसने बनाया है, तो वेनम बताता है नल, मेरे क्रिएटर ने मुझे ढूंढ लिया है। दिस इज़ वेरी वेरी ऑसम, दिस इज़ ऑसम, अनबिलीवेबल, अनप्रेडिक्टेबल। मैं मान गया यार सोनी वालों को, नल को दिखा दिया वेनम 3 के ट्रेलर में, वाह। पूरे पिक्चर में कितने सीन होंगे पता नहीं, कितना उसका टाइम दिया जाएगा, स्क्रीन टाइम कितना होगा, आई डोंट नो, वी डोंट नो, बट मज़ा आने वाला है भाई। अब आगे देखते हैं, अगले वाले सीन में यहाँ पर मिलिट्री आर्मी दिखती है, और यहाँ पर मैं अगले वाले सीन में तुम्हें कुछ सिम्बॉयड दिखाए जाएंगे, प्लस वो ऑफिसर मार्वल का मोड़क वाला ऑफिसर, वो ऑफिसर भी यहाँ पर तुम्हें दिखेगा जो कि सिम्बॉयड को देख रहा है, सिम्बॉयड के टेस्टिंग ट्यूब को देख रहा है, जो भी वो होगा समथिंग समथिंग। यहाँ पर कई सारे वेनम के तुम लोग डिफरेंट वाले वर्जन देख सकते हो, सिम्बॉयड के डिफरेंट वाले वर्जन जिसको कैद करके रखा है उस ट्यूब में। और यहाँ पर मैं कई सारे तरीके के ट्यूब्स रखे हैं जिसके अंदर मैं किस किस को पकड़ के ह्यूमन के ऊपर छोड़ा जाएगा कि नहीं छोड़ा जाएगा, जो कि पार्ट 2 में किया गया था, वो सेम चीज़ यहाँ पर कंटिन्यू होगी कि नहीं होगी वो भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर मैं डॉक्टर और डॉक्टर साहिब साहिबा अलग की टेस्टिंग चल रही है, क्या कर रहे हैं पता नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ पर मैं नल है चेयर पे बैठा हुआ है सेंटर में, और आजू बाजू से काफ़ी सारे सिम्बॉट निकल रहे हैं, और तुम इस सिम्बॉट को यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर वेनम और एडी ब्रॉक दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें किसने बनाया है समथिंग समथिंग, तो डायलॉग सुन लो, वाह 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 वाह, और कुछ पुराने मूवीज़ के सीन जैसे वेनम 1 का वो गोली मारने वाला सीन जहाँ पर वेनम कुत्तों को बचाता है, एक्चुअली वो 2 वाला सीन भी हो सकता है। उसके बाद में ये क्रीचर आ गया है बिल्डिंग के ऊपर, और ये वाला जो सिम्बॉयड है, इस सिम्बॉयड का नाम तुम लोग पता कर लेना गूगल से, टॉक्सिन नाम है शायद। उसके बाद में गार्ड है सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड के पैंट में मारने के बाद वो सुसु कर देता है, सुसु करने के बाद में एडी ब्रॉक उसको सूट लेके अंदर चला जाता है। एंड यहाँ पर मैं न्यूयॉर्क में पार्टी चल रही है, न्यू ईयर हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर वेनम हमेशा की तरह वही मारपीट, खून खराबा, काटपीट और झगड़ा, मस्ती मजाक, यही सब चल रहा है। यहाँ पर मैं इस वाले सीन में घोड़े को वेनम घोड़ा बनाने वाला है वेनम,
और वेनम घोड़े पे चल रहा है विदाउट उसको मारे, और यहाँ पे फुल स्पीड पकड़ेंगे। वे घोड़ा कितना बड़ा लग रहा है वे। बस 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 बस, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा है घोड़ा। घोड़े पे बैठा है एडी ब्रॉक और उसको पकड़ के फुल स्पीड में लेके जा रहा है वेनम। पर वेनम के पीछे तो क्रीचर लगे रहेंगे ना, वो उसका पीछा थोड़ी छोड़ेंगे। या नाइस, आगे देखते हैं। ये पुराना वाला सीन है जहाँ पर वो गुंडों का सर खा लेता है। यहाँ पर मैं लोग बोल रहे कि छोटा स्पाइडरमैन गाड़ी में बैठा हुआ है, उसके साथ में लिजर्ड का कैरेक्टर भी है। अब इसके बारे में पूरा मुझे क्लियर तो नहीं पता, बट ऐसे ही कुछ है। और मिलिट्री भी उसके पीछे लगी हुई है, एडी ब्रॉक के पीछे। अब यहाँ पर किसके साथ बॉन्ड हो रहा है एडी ब्रॉक, आने वाले वक्त में देखने को पता चलेगा, या फिर ये किसी और क्रीचर के साथ तो बॉन्ड नहीं हो रहा ट्रेलर में, ये भी हमें पता करना पड़ेगा मूवी देख के। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये बॉन्डिंग मेरे को वेनम के साथ नहीं लग रही है। वेनम का तो किसी भी एंगल से ये सिम्बॉइड नहीं लग रहा है। वेनम का हमेशा काला होता है और ये थोड़ा डिफरेंट है लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी क्रीचर को हाथ लगाने की कोशिश कर रही है। मे भी शायद नल का जो माइंड है, वो माइंड शायद एडी ब्रॉक के साथ कनेक्ट हो जाए और उसको दिख जाए कि यूनिवर्स को थ्रेट आने वाला है, सबसे बड़ा थ्रेट गॉड ऑफ सिम्बॉइड वो आने वाला है एंड पूरी यूनिवर्स पे कब्जा कर लेगा और हर एक लिविंग बींग को ख़त्म कर देगा अपने सिम्बॉइड भेज भेज के हर एक प्लैनेट पे, हर एक प्लैनेट के यूनिवर्स के प्लैनेट पे, हर तरीके के चीज़ों पे कंट्रोल कर लेगा नल। तो नल जो है वो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होगा वेनम के पास से, और वेनम के पास से ज़रूर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लगी होगी जिससे वो शायद वेनम के थ्रू मल्टीवर्स या दूसरे यूनिवर्स के ऊपर में कंट्रोल पाना चाहता होगा। मे बी शायद वो खुद को आज़ाद करवाना चाहता होगा उस प्लैनेट से, उस डार्क प्लैनेट से जहाँ पर काफ़ी सारे गॉड्स ने नल को कैद करके रखा हुआ होगा। मे बी शायद ऐसी स्टोरी हो या फिर कुछ डिफरेंट स्टोरी हो। सोनी वाले क्या खिचड़ी पका रहे, वी डोंट नो। आओ आगे देखते हैं। भाई 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 भाई, वेनम मर तो नहीं गया, क्योंकि एडी ब्रॉक के आंखों में आंसू। पूछना पड़ेगा वेनम सासू को। ओके ओके ओके, इन लोगों की मारामारी चल रही है, पीछे क्रीचर लगा हुआ है। अभी भी मारामारी चल, कंटिन्यूसली चल रही है, अभी भी 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 चल रही है। ओके, ये वेनम जीप कैसे बाहर निकाल लेता है दांतों के बीच से? पक्का ये पीछे देखेगा ना और सामने की तरफ ठोकेगा, ठोकेगा पक्का 100%। और यहाँ पर ट्रेलर ख़त्म होता हुआ और मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, ठीक लगा। बस देखना ये है कि नल को किस तरीके से ये लोग प्रेजेंट करते हैं। नल को इन लोगों ने एक फ्रेम में दिखाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर है। यहाँ पर जो है, यहाँ पे तुम्हें नल देखने को मिलेगा जो कि चेयर पे बैठा हुआ है। पास में उसके पास नेक्रोसॉर्ड है। अब वो नेक्रोसॉर्ड उसकी वाली है या एमसीयू वाली, ये कंफर्म करना पड़ेगा, या फिर उसके पास अभी भी नेक्रोसॉर्ड है या नहीं है। अगर होगी तो ऑब्वियसली वो अपने आप को वहाँ से निकाल लेगा। अगर उसके पास में नेक्रोसॉर्ड नहीं है तो वो मार्वल के यूनिवर्स में जाके नेक्रोसॉर्ड वेनम के थ्रू हासिल कर सकता है, क्योंकि उसके पास में बॉन्डिंग करने के लिए एक होस्ट है ना, वो होस्ट के थ्रू मंगवा सकता है शायद। अगर वो क्रीचर को भेज भी सकता है उस प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे स्पेस के थ्रू, तो वो मंगवा भी सकता है, दिस इज कैन पॉसिबल। चलो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तुमको नल का लुक कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये बहुत गजब है भाई, ये फाड़ देगा मार्वल को।